प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने साल 2021 की पहली मन की बात कार्यक्रम के जरिए देश को संबोधित किया। 73वें मन की बात कार्यक्रम में पीएम मोदी ने गणतंत्र दिवस के मौके पर किसानों की ट्रैक्टर परेड के दौरान हुई हिंसा पर हिंसा का जिक्र किया और कहा कि 26 जनवरी पर तिरंगे के अपमान से देश दुखी है। उन्होंने कहा कि हमें आने वाले समय को नई आशा और नवीनता से भरना है। हमने पिछले साल असाधारण समय और साहस का परिचय दिया, इस साल भी हमें कड़ी मेहनत करके अपने संकल्पों को सिद्ध करना है। पश्चिम बंगाल में होने वाले विधानसभा चुनाव से पहले सीएम ममता बनर्जी को बड़ा झटका लगा है। टीएमसी के कई बागी विधायक और नेता बीजेपी में शामिल हो गए हैं। इन बागी नेताओं ने दिल्ली में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह से मुलाकात के बाद पार्टी ज्वाइन की। इनमें से टीएमसी के पूर्व नेता राजीव बनर्जी, विधायक वैशाली डालमिया, रुद्र नील घोष और रतिन चक्रवर्ती ने पार्टी की सदस्यता ली। पश्चिम बंगाल में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए एक सभा को संबोधित किया। उन्होंने कहा कि केंद्र की मोदी सरकार जन कल्याण के लिए काम कर रही है और ममता बनर्जी सरकार बंगाल में भतीजा कल्याण की दिशा में काम कर रही है। ममता बनर्जी के शासनकाल में बंगाल में स्थित वाम शासन से भी बदतर है। सीएम ममता बंगाल के लोगों की आकांक्षाओं पर खरा उतरने में विफल रही हैं। इसलिए तृणमूल के नेता बीजेपी में शामिल हो रहे हैं, उन्हें आत्मचिंतन करना चाहिए। किसान नेता नरेश टिकैत ने प्रधानमंत्री के वार्ता संबंधी बयान पर बड़ी बात कही है। उन्होंने पीटीआई से बातचीत में कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जो कहा हम उसका सम्मान करते हैं, उनकी गर्मियों की रक्षा की जाएगी। हम नहीं चाहते कि सरकार या संसद हमारे आगे झुके, लेकिन वो किसानों के आत्मसम्मान की भी रक्षा करें। साथ ही टिकैत ने कहा कि तिरंगा सिर्फ प्रधानमंत्री का है क्या, सारा देश तिरंगे से प्यार करता है। जिसने तिरंगा का अपमान किया है सरकार उसे पकड़े। मुजफ्फरनगर में महापंचायत रैली होने के बाद बड़ी संख्या में किसान गाजीपुर बॉर्डर पहुंच रहे हैं। इस बीच सरकार ने भी यहां बैरिकेटिंग मजबूत कर दी है। फिलहाल यहां 12 लेयर की बैरिकेटिंग कर दी गई है। वहीं नेशनल हाईवे 24 भी पूरी तरह से बंद हो चुका है। इसके चलते नोएडा सेक्टर 62 से अक्षरधाम जाने वाला रास्ता भी बंद हो गया है। किसान परेड के दौरान 26 जनवरी को लाल किला और दिल्ली के विभिन्न इलाकों में हिंसा के दौरान किसानों के लापता होने का मामला पंजाब में सियासी तौर पर गर्माने लगा है। सूबे के किसान संगठनों और धार्मिक संगठनों ने 400 से अधिक किसानों व नौजवानों के लापता होने का आरोप लगाया है। इस संबंध में दिल्ली पुलिस पर उंगली उठाई जा रही है। पंजाब से जुड़े कई किसान संगठनों और धार्मिक संगठनों ने आरोप लगाया है कि दिल्ली हिंसा के दौरान 400 से ज्यादा युवा और बुजुर्ग किसान लापता हैं। भारतीय क्रिकेट टीम के पूर्व कप्तान और मौजूदा बीसीसीआई अध्यक्ष सौरव गांगुली को अस्पताल से छुट्टी मिल गई है। एंजियोप्लास्टी होने के बाद उन्हें अस्पताल से छुट्टी मिली है। उन्हें एक सप्ताह पूरी तरह से आराम करने की हिदायत दी गई है। डॉक्टरों के मुताबिक सौरव गांगुली की तबीयत अब ठीक है। हाल ही में सौरव गांगुली को हार्ट अटैक की शिकायत हुई थी। देश में कोरोना संक्रमण के कम होते मामलों के बीच अब अधिकतर राज्यों ने स्कूल खोले जाने का ऐलान कर दिया है। कई राज्यों ने कक्षा 10 से 12वीं तक के स्कूल पहले ही खोल दिए थे। वहीं अब कक्षा 1 और 2 के छात्रों के लिए भी फरवरी महीने से स्कूल खोले जाने की तैयारी है। कोरोना महामारी के कारण 10 महीने से अधिक समय तक बंद रहने के बाद कई राज्यों में 1 फरवरी से फिर से स्कूल खोलने का आदेश जारी कर दिया है। स्कूलों को खोलने का निर्णय देश में कोरोना वायरस मामलों की संख्या में लगातार गिरावट को देखते हुए लिया गया है। सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय ने केंद्रीय गृह मंत्रालय द्वारा सिनेमा हॉल और थिएटरों को ज्यादा क्षमता के साथ खोलने की इजाजत देने के बाद दिशा निर्देश जारी कर दिए हैं। इस निर्देश के मुताबिक सिनेमा हॉल थिएटर 100% क्षमता के साथ खोले जा सकते हैं, लेकिन सिनेमा हॉल या थिएटर के अंदर और बाहर कॉमन एरिया में भीड़ से निपटने, सोशल डिस्टेंसिंग रखने और कोविड प्रोटोकॉल के तहत सभी विशेष इंतजाम करने के निर्देश दिए हैं। शाहरुख खान की फिल्म पठान की शूटिंग इन दिनों दुबई में चल रही है, जिसके कुछ फोटोज और वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहे हैं। सोशल मीडिया पर सामने आए फोटोज और वीडियोस से ये तो साफ समझ आ रहा है कि ये किसी एक्शन सीन की तैयारी चल रही है। एक वीडियो में शाहरुख खान ट्रक पर फाइट सीन की शूटिंग करते हुए नजर आ रही हैं। वहीं दूसरे वीडियो में किंग खान बुर्ज खलीफा के सामने शूटिंग करते दिखाई दे रहे हैं। यानी एक लंबे अरसे बाद शाहरुख खान बड़े पर्दे पर जोरदार एक्शन के अवतार में नजर आएंगे।